हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुश्री और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूं मूंग दाल के रसगुल्ले। मूंग दाल के रसगुल्ले या फिर आप इसे रसबरा भी कह सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूं इसे आप व्रत में खा सकते हैं, नवरात्रि के टाइम में जो व्रत होते हैं उसमें खा सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी व्रत रहती है तो उसमें आप खा सकते हैं मूंग दाल के ये रसबरे। और इसे जो मैं जिस तरीके से मैं बना रही हूं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बना रही हूं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल रहती है घर पे, और मेथड भी मैंने काफ़ी सिंपल रखी हूं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं मूंग दाल ली हूँ, करीब 1/3 कप मूंग दाल को भिगो के रखी हूँ मैं। करीब 4-5 घंटे तक मैं भिगो के रखी हूँ। ये मैं छोटा दाना मूंग दाल ली हूँ और इसे मैं अभी ग्राइंड करूँगी एकदम फाइन पेस्ट, मतलब एक भी दाना जो है वो गोटा नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसे ग्राइंड करने के लिए 1 टेबलस्पून के करीब मैं पानी दे रही हूँ ताकि इसे इजीली ग्राइंड कर सकूँ। अगर आप पानी नहीं देना चाहते तो मत दें, लेकिन आपको इसी तरीके से एकदम फाइन पेस्ट, ये देखिए, ये मैंने 2-3 बार मिक्सर चलाते हुए इसे मैंने इस तरीके से की हूँ। और अभी मैं ये छोटी इलायची के कुछ दाने इसमें ड्रॉप कर रही हूँ और इसे जो है दोबारा मैं पीस लूँगी। और इसे पीसने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये एकदम से फाइन पेस्ट हो गई है। और इसे जो है मैं अभी एक बाउल में उतार लेती हूँ और इसे मैं एक हैंड विस्कर की सहायता से मैं इसे विस्क कर रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे एकदम फ्लफी बनाना है। इसी वजह से दूसरी जगह में मैंने गैस पे ये कढ़ाई बैठा ली हूँ ताकि मैं चाशनी बना सकूँ। मैंने 1 कप यहाँ पर शुगर ली हूँ और यहाँ पर मैं पतला करना है हम लोगों को रस को, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 कप्स पानी दे रही हूँ। अगर आप 1:2 दीजिए, मतलब अगर आप शुगर कम मात्रा में दीजिए, पानी ज़्यादा मात्रा में दीजिए, क्योंकि रस जो है पतली होनी चाहिए और वड़े उसमें अच्छे से डूबने चाहिए ताकि आपके वड़े जो है डबल होने वाले हैं साइज में इसी वजह से। और ये मैंने जो दाने मैंने दी थी दाल में, वही उसी के छिलके मैंने ये इसमें चाशनी में डाल दी। अभी इसे बॉयल होने के लिए मैं रख देती हूँ और चीनी घुलने तक मैं इसे उबालूंगी। और अभी मैं ये जो फेंटने की जो मेरी प्रक्रिया जो चालू थी उसे मैं कंटिन्यू करूंगी जब तक ये डबल नहीं हो जाती है साइज में। ये कुछ हद तक डबल हो चुकी है, अभी ये विस्क के साथ ही उठ रही है, थोड़ी सी मुझे और इसे विस्क करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी भी थोड़ी सी ये जो है इस तरीके से गिर रही है, थोड़ी सी और भी मुझे इसे विस्क करना पड़ेगा। तो इसे मैं विस्क कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको तेल दे दूंगी, करीब 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर तेल दे दी हूँ और इसे जो है दोबारा से मैं ये विस्क कर लूँगी। ये तेल क्यों देना है, क्योंकि आप इसमें सोडा वगैरह, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हो, आप इसमें तेल डाल रहे हो ताकि आपकी जो वड़े हैं वो अच्छे से फ्लफी टाइप की बने। इसी वजह से आप इसमें थोड़ा सोडा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सोडा अवॉइड करती हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसको तेल देती हूँ। 1 टीस्पून तेल देने से अच्छा रहता है और वड़े जो है चिपकते नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। अभी कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और इस तरीके से मैंने दही बड़े के टाइम में थोड़ा मैं दिखाई थी आप लोगों को, इस तरीके से लगा ले और इसे जो है राउंड शेप देने की कोशिश करें, ये इस तरीके से। ये देखिए, आप इसे रसगुल्ले के टाइप में बना रहे हैं तो इसे राउंड शेप में देने की कोशिश करें। अगर आप एकदम पानी नहीं देते हो दाल में तो आपकी ये दाल जो है एकदम से कड़क बनने वाली है, लेकिन मैंने काफ़ी बार बना के देख चुकी हूँ कि उस तरीके से कड़क टाइप के जो वड़े रहते हैं ना, उसके अंदर में आप रस जो है अच्छे से नहीं जा पाती है। तो इसीलिए मैं ये इसी प्रोसेस से करती हूँ, थोड़ा सा मैं लेती हूँ और इस तरीके से साइड्स में लगा के इसे गोल शेप देने की कोशिश करती हूँ। वापस से मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से।
ऐसे करके अगर आप डालते हो तो ये थोड़ी मतलब तेल में अच्छे से एक ही जगह में बैठती है और अच्छे से ये राउंड शेप में आ जाती है। गैस मेरी तेज है, तेज आंच में ही इसको बनाना है। आप इसे धीमे आंच में बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप धीमे आंच में बनाएंगे तो वड़े जो है वो कड़क हो जाएंगे। इसीलिए तेज आंच में बनाएं, तेज हीट में बनाएं इसे, अच्छे से तेल में इसे डुबो के बनाएंगे, डीप फ्राई करेंगे तो और भी अच्छा है। पलट दें, दूसरे तरफ से भी इसे कर लें इस तरीके से। अगर आप मेरी इसे अगर वीडियो को अगर आप चलाते हुए अगर आप कर रहे हैं तो मेरी इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो जाती है तुरंत आपको पलट देना है, क्योंकि आपको इसे एकदम गाढ़ा ब्राउन, एकदम कार्बोनाइज नहीं करना है। जस्ट आपको इसको हल्का सा शैलो फ्राई टाइप की करनी है, क्योंकि आपको तो इसे चाशनी में डालना ही पड़ेगा, तो इसे एकदम कड़क भून के कोई फायदा नहीं है। देखिए इस तरीके से, मुझे वो छलनी से थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी इसलिए गोल वाली छलनी ले ली मैंने। गोल वाली छलनी से मैं काफी इजीली कर पाती हूँ। अभी मैं इसे उतार लेती हूँ एक प्लेट में, अभी मैं उतार के रखूंगी। और अभी मैंने गैस को एकदम सिम करनी हूँ ताकि मेरे बाकी के बड़े जल नहीं जाए, इसी वजह से ऐसे उतार लें सारे, और एक साथ में ही हम लोग अभी इसे चाशनी में डालेंगे। तो चलिए फिर बड़े को जो है चाशनी में डाल देते हैं। तो अभी ये मेरी बड़े गर्म है और मेरी चाशनी भी गर्म है, तो उसी वक्त में मैं इसे साइड कर देती हूँ जो मैंने पहले बनाई थी, और ये डाल देते हैं दोबारा उसी प्रोसेस से, थोड़ा सा साइड्स में लगाते हुए इस तरीके से। ये देखिए इसी प्रोसेस से कीजिए तो आपकी जो है राउंड शेप आ ही जाएगी। ऐसे डालने के टाइम में आपको पांचों उंगलियों की सहायता चाहिए, अंगूठे से बीच से दबा दे और वो तुरंत गोल होके नीचे गिरेगी, जैसे हम लोग नॉर्मली भजिया वगैरह जो बनाते हैं इस तरीके से। लेकिन आप विस्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विस्क करना जरूरी है। अगर आप विस्क नहीं करेंगे तो आपकी जो दाल है वो फ्लफी नहीं बनती है, और मूंग की दाल बहुत जल्दी फ्लफी बन जाती है इन कंपेरेटिव। अगर आप उड़द की दाल की बना रहे हो, जैसे हम लोग दही बड़े वगैरह जो बनाते हैं उस टाइम में थोड़ा उसमें फ्लफीनेस लाने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ये मूंग की दाल में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये देखिए ऊपर से मैं इसलिए ये कोट कर देती हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैडम आप ये ऊपर में इस तरीके से तेल को क्यों उछालते हो। इसलिए मैं उछालती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम में जो मैं पलटती हूँ वो मेरी इधर उधर डाल या फिर कुछ लगे नहीं, इसी वजह से गोल्डन ब्राउन कर ले और तुरंत ही आप इसे चाशनी में इस तरीके से डाल दें। मेथड आप वही रखिए, और अच्छे से आपकी ये चाशनी में डूबनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए। और अभी जो है मैं गैस को जला देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसे उबालना है। मैं इसलिए इसे उबाल रही हूँ ताकि ये जो मैंने जितने भी चाशनी में डाली हूँ ये रस भरे, ये बड़े जो है अच्छे से इसके अंदर में रस अच्छे से ये पी ले, और ये जो है साइज जो देख रहे हो आप ये जस्ट डबल हो जाएगी। हल्का सा मैं ढक के रखी हूँ करीब 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद ये देखिए ये एकदम से साइज में डबल हो गई है। अभी मैं ऐसे ही थोड़ा ढक के रख दूंगी इसे, करीब 2-3 घंटे के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये उबल रही है, अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ढक देती हूँ। और अभी देखिए ये मेरी हो चुकी है, और मैंने इसे गार्निश कर रही हूँ। थोड़ी सी ये पिस्ता मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी थी ताकि ये देखने में अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं।
मुझे ये मूंग दाल के वड़े के ऊपर पिस्ता थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसी वजह से मैंने इसे पिस्ता के साथ गार्निश करी हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर से मैं ये चाशनी डाल देती हूँ ऐसे, इससे जो है बड़े सूखेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नरम ये बड़े बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और मैं अभी आपको एक काट के दिखाती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप बड़े बनाएंगे, ये देखिए मैंने एक बड़े ले ली हूँ और ये देखिए मैंने कितनी आसानी से काट ली और अंदर में कितने अच्छे से ये जो रस है वो कितने अच्छे से एकदम अंदर तक गई है, देखिए। और टेस्ट में काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। बच्चे इसे बहुत ही प्यार से खाते हैं, बहुत ही अच्छे से बच्चे जो है खाते हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताई हूँ उसी मेथड से आप इसे कीजिए और अपने घर वालों को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा।